नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने समृद्धि परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। कैसे हैं आप सब लोग जी? अभी अभी आपका समय का बिल्कुल, आपकी परीक्षा के 25 दिन शेष रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी में बिल्कुल निरंतर लगे रहे होंगे। अब अंतिम समय में हम संस्कृत की तैयारी किस प्रकार करेंगे, यानी अब आपने जो पढ़ा है उसको अंतिम रूप किस तरीके से देंगे, ये अभी मैं आपके सामने बताने वाली हूँ। तो आगामी 25 दिनों की जो समय सारणी है वो मैं आपके सामने भी प्रस्तुत करूँगी। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को कि आगामी समय में यानी स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है किस तरीके से आप अपने विषय वस्तु को और अधिक मजबूत कर सकेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात चलती है एक सितंबर को आपकी क्लास सन आयोग और समितियों से संबंधित हुई है, जिसकी पीडीएफ आपको संस्कृत समृद्धि टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। वहाँ से भी आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और इसी यूट्यूब चैनल पर इसके लाइव क्लास लगी हुई है, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन 2 और 3 सितंबर की। 1 सितंबर को सन आयोग समिति की क्लास, 2 और 3 सितंबर को संपूर्ण रीट के पाठ्यक्रम पर आधारित 5वां टेस्ट, लास्ट टेस्ट होगा और ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए होगा, जो 2 सितंबर को लेवल फर्स्ट और 3 सितंबर को लेवल सेकंड के लिए होगा। तो आप सब इस टेस्ट को जरूर दें, यानी आज 11 बजे आपको संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन पर ये टेस्ट लेवल फर्स्ट का उपलब्ध रहेगा, कल यानी 3 सितंबर को लेवल सेकंड का उपलब्ध रहेगा। लेवल सेकंड में एसएसटी और साइंस दोनों के अलग अलग पेपर होंगे। इसके बाद इनका जो लाइव सॉल्यूशन है वो शाम को 4 बजे से इसी यूट्यूब चैनल पर होगा। अगला जो प्रारूप है ये आप देखिए, 4 तारीख से, हाँ जी सुनिए सभी, 4 तारीख से संपूर्ण पाठ्यक्रम का दोहरान प्रारंभ हो जाएगा, रिवीजन प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आप सब इस रिवीजन की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ लीजिए और उसी रूप में हम लोग इसे क्रियान्वित करेंगे। तो देखिए मैं बता देती हूं आपको, 4 सितंबर से निरंतर रूप से आपका संपूर्ण संस्कृत कोर्स का दोहरान होगा और दोहरान करने के लिए, रिवीजन करने के लिए हम किस तरीके की प्रणाली अपनाएंगे वो सुनिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देती हूँ, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि मैं संस्कृत नहीं कर सकता, मुझे संस्कृत का डर लग रहा है, वो सारे विद्यार्थी 0 से भी शुरू होकर इस प्रणाली के साथ चलेंगे तो संस्कृत को बहुत अधिक मजबूत बना सकेंगे। तो देखिए, जैसे 4 सितंबर को हम पहला टॉपिक लेंगे जिसको आप लोग वर्ण विचार के नाम से जानते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताती हूँ कि 4 सितंबर को किस तरीके से हम पढ़ेंगे। देखिए, 4 सितंबर को सुबह 6 बजे, प्रातः 6 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पर, और उस वीडियो में वर्ण विचार के टॉपिक का संपूर्ण मौखिक रिवीजन होगा। उस वीडियो को आप जब भी आपको उचित समय मिले ध्यान से सुनना, और उसके बाद पूरे दिन में जब संस्कृत का टाइम टेबल आपने निर्धारित किया है उसमें संस्कृत समृद्धि पुस्तक से
या संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन से पूरा यहाँ पर वर्ण विचार वाला टॉपिक पढ़ना। संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन से यदि आपने कोर्स नहीं खरीद रखा है तो ध्यान से देखना, अगर आज से 1 सितंबर शाम से अगर आप इस कोर्स को खरीदते हैं तो आप लोगों को 51 मॉडल टेस्ट पेपर निशुल्क मिलेंगे और साथ में 500 प्रश्न शिक्षण विधियों के पीडीएफ सहित मिलेंगे। उन शिक्षण विधियों की पीडीएफ आप प्रिंट आउट के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी भी देर नहीं है, जल्दी जाइए संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन से। 500 रुपये में पूरा कोर्स आपको मिल रहा है और साथ में आप मेरे साथ साथ स्टेप्स, अभी लगेगा अब कब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे वो मैं भी आपको बता ही रही हूँ। तो 4 सितंबर को दिन में वर्ण विचार के पूरे वीडियो सुन लेना और 4 सितंबर को शाम को 6 से 7 संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन पर आप लोग टेस्ट देना। संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन पर आप टेस्ट देना जो बिल्कुल निशुल्क होगा और शाम को 7 बजे मैं लाइव आकर उस टेस्ट का सॉल्यूशन करवाऊंगी। तो किस तरीके से टॉपिक वाइज अपन दोहरान करेंगे, समझ में आया? सुबह 6 बजे उस टॉपिक का वीडियो मिलेगा, पूरे दिन आपको जहां से भी पढ़ना है, मैंने बताया यदि संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन से पढ़ना है तो भी आप पढ़ सकते हैं। यदि अभी भी आप 500 रुपए का कोर्स खरीद रहे हो, यानी कोई सा भी कोर्स खरीदोगे तो भी आपको 51 मॉडल टेस्ट पेपर बिल्कुल निशुल्क मिलेंगे, उनके साथ 500 प्रश्नों की पीडीएफ शिक्षण विधियों की आपको मिलेगी और ये जो टॉपिक टेस्ट हो रहे हैं ये भी साथ में मिलेंगे। ध्यान देना, सारा कंटेंट मिलेगा 500 रुपए में। इसलिए और ये भी माइंड में मत लाना अब हम कितने दिन बचे हैं, कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हर टॉपिक का मैं रिवीजन कराऊंगी। तो 4 सितंबर को वर्ण विचार में भाषा की उत्पत्ति विकास से लेकर लास्ट तक मैं पूरा रिवीजन करवाऊंगी वीडियो के माध्यम से और पूरा पढ़ लेना आराम से। उसके बाद शाम को टेस्ट देना ऐप पर और शाम को 7 बजे यूट्यूब पर लाइव सॉल्यूशन करना। फिर अगले दिन अगला टॉपिक होगा। इस प्रकार वर्ण विचार, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, धातु रूप, शब्द रूप, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, लिंग, लकार, पौरुष, कारक, वाच्य परिवर्तन, अनुवाद, अशुद्धि संशोधन, समय ज्ञान, संख्या ज्ञान, छंद, अलंकार, सुक्ति, पूरे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। मैं टाइम टेबल आपको बताते जाऊंगी। वर्ण विचार पढ़ाया उसी दिन बता दूंगी कल क्या पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, तो आप पूरी तैयारी कर सकते हो। और रोज सुबह 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरे दिन पढ़ लेना, टेस्ट दे लेना, तो बहुत बेहतरीन विकल्प है, खो मत देना। फिर आप सोचेंगे काश मैं ऐसा कर लेता। मेरा यहाँ इंटेंशन ये नहीं है, मेरा एक ही मकसद है किसी भी विद्यार्थी को संस्कृत में किसी प्रकार का डर नहीं लगना चाहिए, संस्कृत में मजबूती रहनी चाहिए। आप लोग एक स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ साथ चलेंगे तो अंतिम समय तक। और ये भी ध्यान देना 19 सितंबर से पहले 19 सितंबर तक संपूर्ण कोर्स का मैं रिवीजन करवा दूंगी। चाहे एक दिन में 2 टॉपिक लेने होंगे, छोटे टॉपिक होंगे तो 2 पढ़ा दूंगी मैं। जैसे आप देख रहे हो उपसर्ग हुए, छोटे छोटे टॉपिक हैं तो एक दिन में अपन कर लेंगे। इसी प्रकार अपन देखेंगे लकार, पुरुष, वचन, एक दिन में कर लेंगे। इस तरीके से भी मैं आपको समय नियोजित करके 19 सितंबर तक, ध्यान देना पूरा टाइम टेबल, 19 सितंबर तक संपूर्ण रिवीजन करवा दूंगी और 20
21, 22, 23, 24 सितंबर, ये पांच दिन संपूर्ण रीट के पाठ्यक्रम पर आधारित प्री रीट की परीक्षा होगी। प्री रीट अब आपका फाइनल मूल्यांकन होगा, यानी आप ध्यान दीजिए, यहां पर क्या करवाया जाएगा कि आप लोगों का रिवीजन मैं आगामी 25 सितंबर तक किस प्रकार पढ़ेंगे वो बता रही हूं, यानी 4 सितंबर से 19 सितंबर तक पूरा कोर्स का रिवीजन करवा दूंगी और 20, 21, 22, 23, 24 तक 5 प्री रीट के पेपर होंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, सारे चीजें ध्यान में रखकर आपका पेपर होगा और 25 सितंबर को संपूर्ण संस्कृत का मौखिक रूप से पूरे सिलेबस का, चाहे 3 घंटे लगे, चाहे 5 घंटे लगे, चाहे 6 घंटे लगे, मैराथन क्लास के रूप में संपूर्ण संस्कृत का मौखिक रिवीजन करवाया जाएगा 25 सितंबर को। तो पूरा टाइम टेबल ध्यान दे लीजिए, यहां पर आप लोगों को मैंने बता दिया है क्या 4 तारीख से 1 तारीख को सन आयोग समिति की क्लास, 2 और 3 को संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट और 4 तारीख को वर्ण विचार पहले डोनेट टॉपिक टेस्ट, जिसमें माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, उच्चारण स्थान, प्रयत्न स्थान, त्रिमुनि परिचय या फिर मैं कहूं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्याकरण, पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगी मैं मौखिक रूप से और एक एक टॉपिक का मौखिक रिवीजन करवा के 19 सितंबर तक पूरा रिवीजन करवा दूंगी और उसके बाद ये 5 दिन प्री रीट की परीक्षा लेंगे, पूरे सिलेबस का टेस्ट ले लेंगे और 25 तारीख को पूरे संस्कृत का रिवीजन कर देंगे। और इसका परिणाम क्या होगा कि 26 सितंबर 2021 को आप अपने पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित जो पेपर आएगा उसको ये मान कर देंगे कि पेपर तो हम रोज दे रहे हैं, संस्कृत आपको बिल्कुल जानी पहचानी लगेगी, आत्मविश्वास के साथ आप टेस्ट दे पाएंगे। ये बात के साथ ही आगामी कड़ी को मैं जोड़ते हुए आपको बता रही हूं, ये टाइम टेबल आपका है ही 4 सितंबर 2021 से टेस्ट संस्कृत समृद्धि ऐप में लगेगा। आप पूछ रहे हैं टेस्ट कहाँ लगेगा, संस्कृत समृद्धि ऐप में लगेगा। ये टेस्ट निशुल्क है, ध्यान देना, 6 से 7 बजे जो टेस्ट लगेगा ये टेस्ट निशुल्क है और इस टेस्ट की व्याख्या YouTube पर 7 बजे से हो जाएगी और क्रैश तरीके से जल्दी जल्दी, समय भी ज्यादा नहीं लगे, टू द पॉइंट उत्तर पर बात करेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा उतना ज्यादा अपन प्रयास करेंगे क्योंकि अंतिम समय में ज्यादा समय भी नहीं गंवाना है। और इसके बाद की प्रक्रिया ये मैंने बताई दिया, अगर आप अभी से, आज से, 1 सितंबर से संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन से कोई सा भी कोर्स खरीद रहे हो, चाहे वो पूरा कोर्स हो, चाहे वो शिक्षण विधि हो, चाहे वो व्याकरण हो, यदि आप पूरा कोर्स खरीदते हैं तो 51 मॉडल टेस्ट पेपर आपको निशुल्क मिलेंगे। इसके साथ ये 2 पुस्तक हैं अपनी, ये 51 मॉडल टेस्ट पेपर पुस्तक के रूप में आपको मार्केट में उपलब्ध है, बाजार में ये पुस्तक किसी भी बुक डिपो से ले सकते हो, संस्कृत समृद्धि की 51 मॉडल टेस्ट पेपर की पुस्तक। और ये आपकी टेक्स्ट बुक है जहां से आप जो भी विषय वस्तु का रिवीजन करना चाहते हो मेरे साथ, तो इसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसके बाद की कड़ी क्या है वो समझ लीजिए, ये 500 प्रश्नों की शिक्षण विधियों की जो PDF है, ये आप लोगों के डिमांड के आधार पर आप लोग इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये भी कोर्स के साथ बिल्कुल निशुल्क मिलेगी। 500 प्रश्न केवल शिक्षण विधियों के, 51 मॉडल टेस्ट पेपर, 500 प्रश्न शिक्षण विधियों के, इन 25 दिनों में आप
संपूर्ण कोर्स यदि मेरे बताए अनुसार समय पर चल रहे हो, मेरे साथ साथ रिवीजन कर रहे हो, तो संपूर्ण कोर्स का रिवीजन कर सकते हो। ये अपने इस एप्लीकेशन के फीचर्स हैं। आप लोग प्ले स्टोर पे इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्री क्लासेस, डेली क्विज, यार सारी जो फंक्शन से आप जुड़िए। संस्कृत समृद्धि का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ से आपको महत्वपूर्ण क्लासेस मिलेंगी। सन आयोग समिति की जो PDF है वो भी टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। दूसरी बात याद रखना, आप लोग फेसबुक पेज संस्कृत समृद्धि का, इंस्टाग्राम संस्कृत समृद्धि का, वहाँ पर भी नियमित रूप से प्रश्नोत्तरी होती रहती हैं। तो बिना कोई समय गंवाए अभी जाइए और जल्दी कीजिए अपने इस संस्कृत की तैयारी को 30 में से 30 नंबर लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पढ़िए, समझिए, याद कीजिए। थैंक यू सो मच।